ओके, यहाँ पर जो है चार टोकन निकले, पांचवे में ही एक हमारे पास यहाँ पे परमिनेंट आ चुकी है। Join the battle. अस्सलाम वालेकुम Be एवरीवन, the वेलकम legend. बैक टू गेमिंग टेन यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया फसल मज़े में। सो गाइस, यहाँ पर जो वापस आ चुके हैं। सबसे पहले यार मैं सैटरडे संडे लाइव नहीं करी यार, उसका एक बहुत बड़ा Join रीज़न the है। वो battle. सबसे पहले तुम लोगों को बता दूँ कि भाई के पास आ चुका है न्यू मोबाइल। सो जिस जिसको नहीं पता, अगर मैं नहीं बताया तो तुम लोग नीचे गेस करके बताना, और बाकी काफ़ी सारे बंदे लोगों को पता है, मैंने स्ट्रीम में ही बता दिया कौन सा मोबाइल लिया है। बाकी कमेंट्स करना, देखते हैं किस किस का तुक्का ठीक लगता है, तुक्के वाले मास्टर कौन है यहाँ पर। और बाकी बहुत जल्द हम लोग जो है मोबाइल का Join the गेम प्ले battle. भी डालेंगे, Be और the काफ़ी ज़्यादा मज़ा legend. आएगा होपफुली आप लोगों को। सो अभी जो है एक का डबल आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। एक का डबल करता है तू, गरीना वालों ने भी वो काम शुरू कर दिया एक का डबल। तो यहाँ पे सीन ऐसा है कि दो इंक्यूबेटर P90 और XM8 के यहाँ पर जो है एक साथ कॉम्बो बना के दे दी लकरोल के अंदर। सो जो स्किन लगवा रहे हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े होने वाली है, क्योंकि XM8 की सबसे ख़तरनाक स्किन जो पूरी गेम की, और P90 की सबसे ज़बरदस्त स्किन, दोनों यहाँ पर जो है मौजूद है। डबल रेट ऑफ फायर एक्यूरेसी, ये सबसे अच्छी स्किन है XM8 की, और P90 की ये वाली भी सबसे बढ़िया है। और मेरे पास ये वाली नहीं है, XM8 की ऑलरेडी है। सो देखते हैं हमारे कितने डायमंड यहाँ पे लगते हैं, और आप लोगों को इवेंट भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इस इवेंट के अंदर कोई भी आपका जो है ना प्राइज़ ज़ाया नहीं होने वाला, कोई भी स्पिन ज़ाया नहीं होने वाला। और आप एक्सचेंज में जाके डायरेक्ट टोकन से भी एक्सचेंज कर सकते हो, और 10-15 स्पिन में होपफुली आप लोगों की वो भी निकल सकती है कि डायरेक्ट परमिनेंट निकल आए। तो देखते हैं क्या सीन होने वाला है अभी यहाँ पर, क्योंकि हमें कम से कम अगर कोई एक गन निकालनी है परमिनेंट, तो उसके लिए 20-30 स्पिन करने पड़ेंगे। यानी कि सीधा सीधा आपको मैं बताऊँ तो 20-30 स्पिन करने के लिए 2-3 हज़ार डायमंड लगाने पड़ेंगे। सो देखते हैं हमारे कितने डायमंड लगते हैं। हम 20 स्पिन तो आराम से कौन से 10 वाले करेंगे, और उसके अंदर होपफुली मेरे को पक्की उम्मीद है कि कोई ना कोई और परमिनेंट निकल आएगी। तो जो चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। और अभी 10 वाले स्पिन करते हैं इसके अंदर, और देखते हैं कौन कौन सी परमिनेंट निकलती है, और हर उसके अंदर टोकन भी देते हैं कि नहीं। एक एक टोकन दे रहे हैं ना बस, फिर ठीक है। एक एक टोकन जो है यहाँ पर हर स्पिन के अंदर हमें 10 वाले मिल रहा है, और होपफुली एक के अंदर परमिनेंट भी मिल जाएगी हमें। और यहाँ पर जो है एक और चीज़ वाला टोकन, चीज़ी पिज़्ज़ा टाइप टोकन बनाया उन्होंने। यहाँ पर 3 स्पिन हमारे कंफर्म हो चुके हैं, और हर स्पिन में हमें जो है एक पम्पकिन पता नहीं कौन सा, पम्पकिन पीस है क्या, क्या है पम्पकिन नाम ही है, बाकी आगे छोड़ो, बहुत ख़तरनाक इंग्लिश लिखे हुए हैं। ओके, यहाँ पर जो है चार टोकन निकले, पांचवे में ही एक हमारे पास यहाँ पे परमिनेंट आ चुकी है। सो आपके लिए ये ज़बरदस्त इवेंट है, अगर आपके पास कोई भी स्किन नहीं है तो आप लोगों की ज़्यादा निकल आएंगी। मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि स्किन्स थी, और मेरे पास डायमंड भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस वजह से शायद गरीना मेरे को नहीं दे रही यार। स्ट्रीम ना करने का ना मेरा एक और भी रीज़न था, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, शायद आवाज़ में आप लोग अभी भी चेंज काफ़ी ज़्यादा लग रहा हो। तो दुआ करना जल्दी जल्दी मेरा ठीक हो जाए यार। एक और टोपी डाल दिया मैंने व्यूअर्स में। चलो यार अब जल्दी जल्दी स्पिन करते हैं, और देखते हैं कितने स्पिन में और हमें कोई और गन डायरेक्ट परमानेंट मिल जाती है या नहीं। और तेरी यहाँ पर जो है अगेन हमें P90 ही परमानेंट मिली थी, और उसके 10 टोकन मिले, वो भी रेड वाले। तो आप लोग 2000 अगर डायमंड रखो ना, और इस वाले लग रॉयल के अंदर अगर आप यूज़ करो ये 2000 डायमंड, सो मेरा नहीं ख्याल आप लोग ये वाला इवेंट आप लोगों का बेकार जाने वाला है, क्योंकि 2000 डायमंड के अंदर मेरे अंदाजे के मुताबिक आपके पास 20 टोकन आ जाएंगे, और 2 परमिनेंट गन स्किन्स आप लोगों की डायरेक्ट इसके अंदर से निकल के आने वाली हैं। तो जिसके पास स्किन्स नहीं है ये वाली, और वो चाह रहा है, और आईडी में भी नहीं है, फर्स्ट टाइम पैसे लगाना चाह रहा है, ये वाला इवेंट बेस्ट रहेगा, क्योंकि परमानेंट निकलने के ज़्यादा चांस है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा चांस है परमानेंट निकलने के। तो चलिए जल्दी स्पिन करते हैं, और 20 स्पिन में देखते हैं हमें 2 मिलती हैं कि नहीं। अगर 20 स्पिन में हमें 2 परमिनेंट मिल गए ना टोकन्स के अलावा, तो आप लोग भी लग करना फिर, और मेरे को कमेंट में बताना लाजमी कि आप लोगों ने करा नहीं करा, और आप लोगों को कितनी परमिनेंट मिली। 14 यानी कि हाँ 14 स्पिन हुए हैं, और 14 ही टोकन मिले मेरे को। एक ब्लू वाली P90 हालांकि परमिनेंट मिल चुकी है, लेकिन वो वाली मेरे पास ऑलरेडी थी ना, तो वो काउंट नहीं करते हम लोग। बेशक अभी भी 4 स्पिन बाकी हैं हमारे। ना करो यार ये मत करो। अबे यार मेरे ख्याल से जब येलो वाला निकलेगा तब निकलेगा, अभी देखते हैं। येलो डंडा निकला नहीं, येलो डंडा नहीं है इसमें, इसका मतलब नहीं निकलेगी। 18 टोकन हो गए भाई, इसमें भी येलो टोकन नहीं है।
येलो डंडा, सॉरी टोकन नहीं, येलो डंडा। ओके, मेरे पास 20 टोकन हो गए हैं और मैं यहाँ पे 2000 डायमंड, यानी कि 2000 थोड़े से कम डायमंड ऑलरेडी लगा चुका हूँ, लेकिन जो मेरे को P90 की स्किन चाहिए वो 30 टोकन की आने वाली है। सो मैं यहाँ पे 10 स्किन और कर रहा हूँ स्किन निकालने के लिए। तो गाइस यहाँ पर जो हमारे 30 स्पिन जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, हमारे पास 30 टोकन्स भी आए, और 30 स्पिन के अंदर हमारे पास 2 गन्स पर मिनट निकली थी जो डायरेक्ट हमारे पास स्पिन से आई थी। और जिसके पास नहीं होगी उसके लिए, मैं वही कह रहा हूँ, जिसके पास नहीं होगी उसके लिए सबसे बेस्ट इवेंट है। तो मेरे पास एक स्किन नहीं थी, वो मेरे को परमानेंट मिल गई यहाँ पर P90 की, और दूसरी वाली मेरे पास ऑलरेडी थी लेकिन वो भी परमानेंट मिली है। तो जिसके पास नहीं होगी तो उसके यहाँ पे वारे न्यारे होने वाले हैं। और मेरे ख्याल से मेरा लक थोड़ा सा यहाँ पे गंदा चला है, थोड़ा सा यहाँ पे बैड लक चली है मेरी। अगर लक थोड़ी ज़्यादा अच्छी चलती ना तो मेरे ख्याल से 2-3 स्किन जो है डायरेक्ट उधर से ही निकल आनी चाहिए थी। मेरे अक्सर इवेंट्स में निकली भी हैं और डायमंड्स भी निकलते हैं, समझ रहे हो ना। फजूल इवेंट में लगाने से बजाय इसके अंदर लगाओ एक का डबल, ठीक है, 2 गन्स 1 गैस, यानी कि 2 इनक्यूबेटर इन 1 इवेंट। तो गाइस यहीं पर वीडियो को लगाते हैं फुल स्टॉप। होपफुली आप लोगों को जो है डायरेक्ट, अब शायद डायरेक्ट शायद मोबाइल का गेम प्ले देखने को मिले, और मोबाइल के अंदर मेरी प्रैक्टिस हुई है लेकिन 100 में से 1% हुई है सिर्फ। इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि नूबड़े उबड़े ना जिनको ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज के होते हैं, जो चल रहे होते हैं, उनको मैं मार लेता हूँ। और ग्लू वॉल भी जो है सिल्वर वालों के सामने ग्लू वॉल भी लग जाती है। बाकी इतना गेम प्ले सेट हो गया है, और बाकी मेरे को मोबाइल की टेक्निक्स और कोई जो भी ट्रिक्स हो आप लोगों के पास नीचे कमेंट करके लाजमी बताना, क्योंकि मैं मोबाइल का भाई हूँ न्यू प्लेयर। मेरे को कम से कम जो है ना 4 महीने हाथ सेट करने में लगेंगे, उसके बाद 4 महीने और गेम अच्छा करने में लगेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, 6 महीने तो कहीं नहीं गए। तो जिसके पास जो भी ट्रिक्स हो, जो सेटिंग हो, मेरे को मैसेंजर कर सकता है, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकता है, इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम कर सकता है, और जो भी आप लोग मेरे से शेयर करना चाहो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तो मेरे से कर सकते हो, ठीक है। भाई भी ना ई स्पोर्ट में Join the battle. खतरनाक प्लेयर बनना Be the यानी कि मोबाइल legend. पे हाथ सेट करेंगे, ठीक है बेसिकली। सो अभी के लिए इतना, यहीं पर जो है वीडियो को लगाते हैं फुल स्टॉप। Join the थैंक्स अ लॉट battle. ऑल ऑफ यू फॉर Be वॉचिंग, the legend. ठीक है। Rabia, it's uncle Majboor, baby. Rabia,